अगर आपके पास कैमरा है या मोबाइल कैमरा है और आप एडिटिंग को थोड़ा सा भी जानते हैं तो अपने व्लॉग के लिए आर्ट क्रिएटिव ट्रांजिशन बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन ट्रांजिशन की। इसके लिए आपको दो शॉट चाहिए। इसमें आपका जो कैमरा है वो ऑलमोस्ट 360 पे ही रोटेट करेगा, मगर दो शॉट्स के अंदर। पहला शॉट ये है कि आपने कैमरे को घुमाना है और जहाँ पे आपका पहला शॉट ख़त्म होगा वहाँ पे आपको आपके करेक्टर की शर्ट के साथ फ्रेम को फ्रीज कर लेना है, एग्जैक्टली ऐसा जहाँ पे आप अब देख रहे हैं, यानी पूरे फ्रेम के अंदर आपकी शर्ट ही आए। जो कलर आपके पहले शॉट के आखिरी फ्रेम में है एग्जैक्टली दूसरा शॉट उसी कलर से ही आपको शुरू करना है। तो आपने उधर से क्लोज रखना है स्क्रीन से और अपना शॉट जो है वो दूसरा बना लेना है, और इस बार जो कैमरे की रोटेशन है वो डिफरेंट रखनी है। पहला सीन का आखिर और दूसरे सीन के स्टार्ट को आप थोड़ा सा तेज़ करेंगे और उसके बाद आप दोनों सीन को जब जोड़ कर देखेंगे तो रोटेशन ट्रांजिशन का इम्पैक्ट है वो सामने आएगा। दूसरी ट्रांजिशन है शेक इफेक्ट। इसके अंदर आपको कैमरे को थोड़ा सा टिल डाउन करके अपनी पोजीशन में वापस लेके आना है, मगर ख्याल रहे कि एक बार जब आप टिल डाउन कर रहे हैं और कैमरा दोबारा अपनी पोजीशन पे आया है तो फ्रेम खाली है, फिर आपका कैरेक्टर उसी फ्रेम के अंदर आएगा, कैमरा हिलाइएगा नहीं। उसके बाद फिर आप टिल डाउन करेंगे और जब फ्रेम ऊपर लेके आएंगे तो कैरेक्टर आपके फ्रेम के अंदर है। अब इन दो सीन को हमें एडिट करना है। पहला सीन जहाँ पर हमने टिल डाउन किया था वहाँ पे कट कर लेना है, और दूसरा सीन जहाँ से हम टिल डाउन से टिल अप आए थे यानी कैमरा ऊपर किया था उसको साथ में जोड़ लेना है। तो बीच में हल्का सा आपको नेचुरली ब्लर मिलेगा, अगर नहीं भी मिलेगा तो एडिट में कर सकते हैं, और अगर नहीं भी ऐड करेंगे तब भी वो एक जंप कट नहीं लगेगा बल्कि वन फ्लो ही आपको महसूस होगा, जिसके बाद आपको शेक इफेक्ट ट्रांजिशन जो है वो नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं तीसरी ट्रांजिशन वाइप आउट ऑब्जेक्ट की। यानी आपने कहीं पे भी आप व्लॉगिंग कर रहे हैं और आपको दरख्त मिलता है, कोई पिलर मिलता है, तो आप वहाँ पे अपनी ट्रांजिशन को कैसे आजमा सकते हैं। आपने पहला सीन शूट कर लेना है कि करेक्टर गुजर रहा है और कोई पिलर या दरख्त सामने आ गया है, तो आपका जो फर्स्ट सीन का एंड है वहाँ पे आखिरी फ्रेम ऐसा ज़रूर हो जहाँ पूरे फ्रेम के अंदर वो ऑब्जेक्ट हो, यानी पिलर या दरख्त पूरे का पूरा आ जाए, एग्जैक्टली ऐसे। और दूसरा सीन आपने शुरू ऐसे करना है कि उससे रिलेटेड दरख्त या कोई भी पिलर है आपने कहीं और जगह पे जाके शूट करना है, मगर इसमें आपका पहला फ्रेम जो होगा वो एग्जैक्टली पिलर या दरख्त का क्लोज होगा और उसके बाद आपने इसको पैन करना है और आपका जो सब्जेक्ट है वो आगे से आता नज़र आएगा। तो एक बहुत ही खूबसूरत जो ट्रांजिशन है वो मिलेगी, लेकिन इसमें भी एडिट के दौरान आपका जो पहले सीन का जो आखिर है और दूसरे सीन का जो स्टार्ट है दोनों को आप थोड़ा सा तेज़ कर देंगे तो ट्रांजिशन ज़्यादा स्मूथ मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजिशन ग्लिच इफेक्ट की। इसके अंदर आपने मार्क कर लेना है अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। आपने पहले कैमरे को पकड़ के अपने मूव करना है बिल्कुल स्मूथ और आपको पता है कि आपने कहाँ पे आके रुकना है, फिर एग्जैक्टली दोबारा आपने अपने स्टार्ट पॉइंट पे जाना है और इस बार आपने अपना करेक्टर सामने रखना है और उसके साथ ही मूव करना है, और जहाँ पे आपने पहले एंड किया था एग्जैक्टली वहीं पे आपने इसको एंड कर देना है। तो एक ही जगह के ऊपर दो सीन आपके पास आ चुके हैं, मगर जब आप इसको एडिट में जाएंगे तो आपने पहले सीन के हाफ में कट करके दूसरे सीन जहाँ पे आपका करेक्टर मौजूद है उसको जोड़ लेना है और बीच में ग्लिच जो है वो लगाना है, और जब आप ये लगाएंगे तो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगी।
अब हम बात करते हैं मैजिकल ट्रांजिशंस की। ये अक्सर फिल्मों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। इसमें सिंपल आपने करेक्टर को मुख्तलिफ जगहों पे शूट कर लेना है, मगर आप शूट के दौरान एक चीज़ का ख्याल रखें कि करेक्टर आपके फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में हो और जो सीन आप एक जगह पे शूट कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी फ्रेम के अंदर मुख्तलिफ जगहों में आपने करेक्टर को शूट करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने 3-4 जगहों पर शूट किया, मगर हर जगहों पर हमारे पास जो करेक्टर है वो बिल्कुल सेंटर में है। हमने जितनी जगह राइट लेफ्ट में छोड़ी थी एग्जैक्टली हर जगहों पे हमने हर फ्रेम में उतनी ही जगह छोड़ी और करेक्टर को सेंटर में रखा है। और दूसरी टिप कि आपने करेक्टर की मूवमेंट ज़रूर नोट करनी है। ऐसा ना हो कि आपके एक सीन के अंदर करेक्टर राइट में देख रहा है और दूसरे सीन में लेफ्ट में देख रहा हो, तो तब ये ट्रांजिशन जो है वो फेक हो सकती है। तो आपने करेक्टर की मूवमेंट भी ठीक रखनी है और जब आप कैमरा शूट कर रहे हैं तो उस दौरान कैमरा जो है जो करेक्टर है आपके फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में हो। तो 3-4 जगहों पर जब आप इस तरह का शूट कर लेंगे, उन सबको जब आप मिलाएंगे तो एक खूबसूरत ट्रांजिशन जिसको मैजिकल ट्रांजिशन कहते हैं क्रिएट होगी। अब हम बात करते हैं 360 ट्रांजिशन की। ये बहुत ही आसान है, मगर इसको शूट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रहे कि जब आप करेक्टर के इर्द गिर्द 360 घूमेंगे तो आपका जो करेक्टर है वो सेंटर में ज़रूर रहे। और इसमें भी करेक्टर की मूवमेंट पे आपने गौर रखना है, क्योंकि आपने इस तरह की ही मूवमेंट 360 मूवमेंट आपने मुख्तलिफ जगहों पे लेकर इसको एक बनाना है। तो आपने एक जगह पे खड़े होकर करेक्टर का पूरा 360 शूट कर लेना है, फिर दूसरी जगह पे जाकर भी करेक्टर का 360 जो है वो आपने शूट कर लेना है। और उसके बाद आप दोनों वीडियो को टाइमलाइन के ऊपर रखें और जहाँ पर आपको एक जैसा मूवमेंट नज़र आ रही हो, एक जगह पोजीशन नज़र आ रही हो, वहाँ पे आप कट करके पहली जो 360 मूवमेंट है उसमें से दूसरी 360 मूवमेंट को ऐड करके आप ट्रांजिशन बना सकते हैं, जिसको 360 ट्रांजिशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं विप पेन ट्रांजिशन। ये बहुत ही आसान है। उसमें आपका जो करेक्टर है या आप खुद सेल्फी कैमरा जो है आप यूज़ करेंगे। अगरचे आपने सेल्फी कैमरा नहीं होगा, मगर कैमरामैन या किसी और दोस्त ने पकड़ा होगा, मगर आपने अपना हाथ कैमरे पे ज़रूर रखना है ताकि लगे कि सेल्फी मोड के ऊपर आप इसको शूट कर रहे हैं। उसके बाद आप किसी तरफ इशारा करें तो कैमरा तेज़ी से उस तरफ को पैन करना है। अब दूसरा सीन जिस तरफ को अपने कैमरा पैन करना है एग्जैक्टली वहीं से ही पैन करके आपने दोबारा दूसरी जगह पर आना है जहाँ पर आपका करेक्टर ऑलरेडी खड़ा होगा। तो एग्जैक्टली एक शूट से दूसरे शूट के बीच में आपका चूँकि पैन है और वो भी ब्लर थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, तो दोनों पैन को जब आप जोड़ेंगे और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको ये एक ही सीन लगेगा। अब जो ट्रांजिशंस हमने की हैं, इन सबको एक वीडियो बनाकर हम देखें तो सारी ट्रांजिशन कुछ इस तरह से हैं। अगेन हम पहले सीन पे जाते हैं जहाँ पर मैंने वीडियो शुरू की थी और मैंने क्लैप किया था। वो भी दरअसल मैच कट ही है, क्योंकि मैंने अपनी क्लैप को एग्जैक्टली उसी फ्रेम के साथ दूसरी जगह पे भी शूट किया था और दोनों क्लैप को जब मैंने जोड़ा था तो वो एक अच्छा मैच कट जो सीन है वो क्रिएट हुआ था। तो ये मुख्तलिफ ट्रांजिशन्स हैं जो आप व्लॉग के अंदर यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियो की जो क्रिएटिविटी है उसको इन्हेंस कर सकते हैं।